हेलो हेलो क्रिप्टोवर्स कैसे हैं आप सब और मैं हूं आप लोगों का छोटा सा दोस्त आशीष और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज हम लोग बात करने वाले दोस्तों मार्केट अपडेट्स के बारे में जैसे कि आप सभी को पता है हम लोग एक वीकली वीडियो करते हैं जिसके अंदर मार्केट के अंदर बहुत सारी बातें करते तो उसी वीडियो की हम लोग यहाँ आज बात करने वाले हैं तो लाइक कीजिए दोस्तों इस वीडियो को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलने वाली बहुत सारी अपडेट्स आप लोगों को मिलने वाली है और इसके अलावा दोस्तों आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर सो प्लीज यूज योर ड्यू डिटेलिजेंस अगर कभी भी

फाइनली थोड़ा सा रेस्ट करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है आशा करते हैं कि साइडवेज में चले प्राइस जो है जैसे हम लोगों ने कल थोड़ा सा गिरते हुए देखा था लेकिन अभी डोमिनेंस डोमिनेंस अगर देखें की बढ़ती हुई नजर आई है और अगर हम लोग यहाँ पर प्राइस चार्ट में अगर देखें तो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ यहाँ पर जो है हम लोगों को नजर आ रहा है ये विक को अगर हम लोग छोड़ दे बाकी अगर हम लोग चार्ट के ऊपर अगर नजर डाले जो रेड लाइन है यहाँ पर ये शोल्डर है और उसके अलावा सॉरी यहाँ पर ये नेक लाइन है यहाँ पर ये दो शोल्डर तो ये वाला डेंजरस हो हो तो वा पैटर्न है और जो कि अगर परफॉर्म करा तो उम्मीद है कि तकरीबन जो है उन्नीस हजार बीस हजार की जो ये रेंज है लास्ट जो है इसका सपोर्ट रेंज है वहां पर ये आता हुआ नजर आए तो जैसे कि हम लोग पिछले उसमें पीछे हम लोगों ने बात किया था कि इस रेंज से जब ये बाहर निकलेगा तो फिर हम लोगों को इस रेंज के अंदर आता हुआ दिखेगा अब फाइनली यहाँ पर इस रेंज के ऊपर जो कि तेईस हजार पाँच सौ की जो रेंज थी सॉरी बाईस हजार पाँच सौ और इक्कीस हजार पाँच सौ की जो रेंज थी उसके ऊपर अब ये एक तरह से ट्रेंड कर रहा है ऊपर ही जाने की कोशिश कर रहा है बार बार नीचे नहीं क्लोज हो रहा है तो ये एक अच्छा साइन नजर आ रहा है राइट और अभी देखते हैं किस तरह से परफॉर्म करता है लेकिन अभी जो समझ में आ रहा है कि शायद यहाँ पर हम लोग को एक हेड एंड शोल्डर दिखे अभी बीटीसी थोड़ा सा करेक्शन करता हुआ दिखे और उसके बाद में मे बी कुछ आगे और फर्दर हम लोगों को चीजें जो है नजर आए राइट अगर हम लोग BTC डोमिनेंस की बात करें तो BTC डोमिनेंस भी यहाँ पर जो है थोड़ा सा डेंजरस मूड में हम लोगों को जो है नजर आई थी वापस आते हैं हम लोग वनडे के चार्ट के ऊपर तो जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे हम लोगों ने बात करी थी कि ये यहाँ से ऊपर नहीं जानी चाहिए जो कि थी तकरीबन 67 परसेंट अब ये चला गया है 68 और 69 परसेंट की रेंज में क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट के जो वो एक तरह से कह सकते हैं रेजिस्टेंस जो अवेलेबल है 68 और 69 पर वहाँ पर अब लग रहा है कि ये उनको टेस्ट करता हुआ जो है नज़र आएगा अब ये ट्रेंड लाइन को बेसिकली इसने ब्रेक किया आप देखते हैं कि ऊपर क्लोज करता है कि नहीं करता है मेन उसके ऊपर अब डिपेंड करता है आप है ये देख रहे वाली सिक्सटी एट परसेंट की और ऊपर ये 69 परसेंट की जो ये रेड लाइन है अगर ये इसके ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर ये नज़र आ रहा है और अगर ये इसके ऊपर जाता है तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा ऑल्ट के लिए डेंजर डेंजर वाला सिचुएशन है राइट क्योंकि बीटीसी ऊपर जा रहा है तो भी हालत खराब कर रहा है नीचे जा रहा है तो भी हालत खराब कर रहा है ऑल्ट की तो वैसी हालत खराब है मतलब मोस्टली ऑल्ट की हालत खराब है लेकिन कुछ एक है जो सिलेक्टेड है जो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं ठीक ठाक चल रहे बीटीसी के साथ यूएनआई को हम लोगों ने देखा परफॉर्म करते हुए और इसी तरह से सेम को परफॉर्म करते हुए देखा है

थोड़ा सा ब्रेकआउट किया था लेकिन अभी जैसे ट्वेंटी फिफ्थ को यहाँ पर अभी इथेरियम का जो सी एम ई जो आने वाला है शायद हो सकता है उसका प्रेशर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है इथेरियम के ऊपर बाकी तो और कुछ यहाँ पर ज़्यादा खास नहीं नजर आ रहा है क्योंकि वॉल्यूम भी ठीक ठाक ही है और इतना ज़्यादा कुछ जो ट्वेंटी आप देख सकते ट्वेंटी वन ई एम ए को ही सपोर्ट बना करके अभी भी आया था ट्वेंटी वन ई एम ए पर यहाँ पर सपोर्ट बनाया वापस ऊपर की तरफ चला गया प्राइस ये एक अच्छा साइन है और जो ट्रेंड लाइन है बेसिकली जो है काफी आप देख रहे हैं कि काफ़ी टाइम से जो एक महीने से जो ये ट्रेंड लाइन चल रही है इससे नीचे प्राइस नहीं जा रहा अगर नहीं जाएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा और देखते हैं आगे किस तरह से जो है प्राइस परफॉर्म करता है और जैसे कि आप सभी को पता है जैसे बोला कि उनको नहीं लग रहा था कि इस साल जो है हम लोग ऑल टाइम हाई देखने वाले बी टी का लेकिन ये हो गया सडनली कैसे क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ जो हम लोग देख रहे थे मार्केट के अंदर वो सब आई है उसकी वजह से बी का प्राइस जो है परफॉर्म करता हुआ नजर आया तो यहाँ पर आपको देखेगा कि थीरियम भी उसी तरह से चलता हुआ नजर आया इथेरियम के अंदर अभी कुछ ज़्यादा ख़ास यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा अगर शॉर्ट उसमें क्या नाम है टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोगों को ज़्यादा कुछ खास वो नहीं नज़र आ रहा है ना यहाँ पर बहुत सिर्फ़ एक फोर आवर के अंदर एक बहुत हल्का सा माइन्यूट सा जो वो है डायवर्जन है जो बेरिश डायवर्जन होता है राइट वहाँ पर यूएसडी पेयर के अंदर वो नज़र आ रहा है लेकिन उतना मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा कुछ खास रहने वाला है और अभी देखें तो ऑलरेडी फोर आर के अंदर जो आर एस आई है वो काफ़ी ज़्यादा जो है नीचे चली गई है तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारी पहली इंफॉर्मेशन की तरफ जो कि है लेजर वाली जो कि हैक हो गया था लेजर और यहाँ पर हम लोग को देखने के लिए मिला था काफ़ी बड़ा जिसमें आई गेस आप लोगों का और मेरा भी नाम इसके अंदर अवेलेबल है दो हज़ार के आसपास में नाम या लोगों के जो है यहाँ पर डेटा ब्रीच हुआ है जिसके जो कि जुलाई में हुआ था मुझे अच्छे से याद है जुलाई के अंदर हुआ था और उसके अंदर नाम और फोन नंबर्स एड्रेस सब कुछ कह काफी लोगों को जो है मेल्स भी गई है कि फाइव हंड्रेड डॉलर रैनसम की, की, की फाइव हंड्रेड डॉलर दो वरना नाम तुम्हारे नाम पब्लिक कर देंगे एड्रेस पब्लिक कर देंगे ये कर देंगे इस तरह की चीजें हो रही है अब देखिए अगर हम लोग दो नंबर का काम कर रहे हो तो, तब तो हमें डरने की जरूरत है अगर हम लोग दो नंबर का काम नहीं कर रहे तो हमें डरने की जरूरत नहीं है अगर आप टैक्स देते हैं मैं टैक्स देता हूँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं टैक्स देता हूँ करते है, करते ठीक है, है उठा दे उसमें क्या जिसको एड्रेस देना है देते रहो भाई क्या फ़र्क पड़ता है ना तो इतना डरने वाली कोई बात नहीं बट हाँ कि आपका डेटा है पर्सनल डेटा है ब्रीच हो गया है ये लेजर को इस इस चीज़ का लेजर को कहीं ना कहीं उसकी जो सेल्स है उसके ऊपर खामियाजा भुगतना पड़ेगा इनको ये जिस तरह से इन्होंने आ, आ, मतलब बहुत इजीली वो लोग चुरा करके ले गए इनके एड्रेसेस को और वो सब चीज़ों को राइट क्योंकि एक तरह से अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट हर एक पर्सन जो कि क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर है वो इनके इस लेजर को जो है यूज़ करते हैं और हम लोग जब अगर यही मेन जो है इन्हीं का डेटा ब्रीच हो जाएगा वैसे कोई वॉलेट्स का नहीं गया है कोई है कोई ना कीज उनके पास नहीं गई है कोई सीड्स नहीं गई है तो उस चीज के लिए आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है राइट यहाँ पर सिर्फ हम लोगों का जो पर्सनल वैसे डेटा है वो गया है तो है ना तो टेंशन मत लीजिए इस तरह की चीजें होती है होती रहेंगी चलते हैं नेक्स्ट की तरफ दोस्तों नेक्स्ट हम लोगों के पास में यहाँ पर आ रहा है नया एक लॉन्च पूल जो कि है रीफ फाइनेंस तो जैसे कि मैंने ग्रुप के अंदर पहले भी बताया था कि पहले भी बात करी थी कि जो है है पर आ सकता लॉन्च पैड के ऊपर मुझे लगा था लॉन्च लॉन्च पैड के के ऊपर ऊपर आएगा लेकिन ये लोग पूल आ गए तो ये एक अच्छा साइन दिखा कि इन्होंने जो है और सेल नहीं करी और ज्यादा सेल प्रेशर नहीं आएगा एक तरह से यहाँ पर सिर्फ जो प्राइवेट सेल वाले हैं उन्हीं का सेल प्रेशर देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को दिखाता था रीजन क्यों क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे सिर्फ सिक्स हंड्रेड के आसपास टोकन जो है सॉरी तीस दिन के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट करने वाले यानी कि लगभग जो है जीरो पॉइंट वन परसेंट के आसपास में जो है टोकन डिस्ट्रीब्यूशन होगा है ना जितने भी स्टेकर्स होंगे और उस हिसाब से अगर काउंट करें तो क्या कहते हैं बहुत ही कम एक तरह से दस दिन, दिन सेल, सेल जिक सेल्स की जो टोकन है वो आने वाले तो एक तरह से डंप होगा सीधा सीधा जितने भी ये ट्रेडर्स है इसके फाइनेंस के इन सभी के ऊपर तो बहुत डेंजरस यहाँ पर ये बता दी फाइनेंस ने क्या सोच करके ये इतना भयंकर मतलब टोकनॉमिक्स इन्होंने वो चूज कर ली मतलब बाइडेंस इस तरह से नजर नहीं आता कभी भी इस तरह की चीजें करते हो मगर पहली बार देखने को मिला है कि इस तरह से एक बार पहले भी आई गेस और किसी प्रोजेक्ट में भी सी टी में या किसी में ऐसा हुआ था ब्लंडर हुआ था ब्लंड मुझे तो ब्लंडर लगता है कि आंख देख करके आप अगर बंद कर ले आंखों तो इज नॉट गुड साइन राइट क्योंकि यहाँ पर फोर बिलियन ऑलरेडी टोकन आ रहे हैं और उसके उसके सामने सिक्स हंड्रेड मिलियन टोकन क्या है कुछ भी नहीं है थ्री परसेंट टोकन मतलब छक्स एक्स टोकन एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर हम लोग को देखने 19x होगा, क्योंकि यहाँ पर तो जब तक लिस्टिंग होगी उन्नीस तारीख को सॉरी उनतीस तारीख को लिस्टिंग है इक्कीस तारीख को तेईस तारीख से स्टार्ट होगा और अगले महीने इक्कीस तारीख तक यानी कि लगभग तीस दिन चलेगा ये और जो लिस्टिंग है इन लोगों का लिस्टिंग करेंगे उनतीस तारीख को तो लगभग नौ दस दिन छः सात सात दिन के आसपास में ही इन लोगों का सिर्फ जो है वो सब होने वाला है पूल और वो सब होने वाला है तो एक तरह से एनी वेज तो बाइनेंस के ऊपर छोड़ देते हैं ये सब चीजें तो यहाँ पर अगर आप बाय करने की सोच रहे हैं तो मैं तो आपको कहूंगा थोड़ा दूर रहिए अगर आपके पास डॉट टोकन रखे हुए अगर आपके पास टोकन हैं तो आप पूल कर सकते हैं, लेकिन आप बाय करके पूल करने के लिए जाएंगे इस करंट प्राइस पर तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करूंगा प्रोजेक्ट हाँ, अच्छा है है के साथ वर्क कर रहा है, इनकी एपीआई के ऊपर उन सबके ऊपर अभी रिसेंटली जो है पीछे काफी न्यूज आई थी कि बाइनेंस के साथ में वर्क कर रहे हैं लोग मिलकर के डिसेंट्रलाइज एपी के ऊपर वर्क कर रहे हैं और जैसे कि आप की आपसे बताया कि डॉट नेटवर्क का जो ये प्रोजेक्ट है तो उस हिसाब से ठीक अच्छा प्रोजेक्ट है और मुझे जैसे मैंने बताया कि मुझे लगा था कि लॉन्च पैड के ऊपर आएगा लेकिन ये लॉन्च पूल के ऊपर लेकर के आ गए तो ये मेरे लिए एक शॉकिंग वो था राइट तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी जो डिटेल्स अगर आप देखना चाहते हैं किस तरह से टोकनॉमिक्स है लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया कि ट्वेंटी के आसपास में सिर्फ प्राइवेट सेल और इन सब का ही टोकन जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने बताया कि और देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली नजर आएगा तीन परसेंट फाइनेंस के हो गए राइट right, अगर उसके अलावा सीड सेल के तकरीबन 1.43 परसेंट है स्ट्रेटेजिक के दो परसेंट है प्राइवेट सेल के 1.68 परसेंट है टीम के भी टोकन अनलॉक हो रहे हैं इकोसिस्टम डेवलपमेंट यानी कि बाइनेंस के टोकन होने वाले ये मोस्टली तो ये देखा जाता है राइट right, बताना नहीं किसी को प्रोटोकॉल है प्रोटोकॉल के लिक्विडिटी रिवॉर्ड के लिए नाइन लगभग वन है फाउंडेशन के

और थर्टी से फिफ्टी सेंट के बीच में रहने वाला है लेकिन अच्छा परफॉर्म किया है इसने और कॉन्ग्रेचुलेशन टू द टीम और तीन प्लेटफॉर्म पे इसका आई हुआ था कि एफ uh, टी के ऊपर देखा हम लोगों ने बिट मैक्स के ऊपर देखा और फाइनली जो देखा हम लोगों ने कि आज जो हुआ था सिरमडेक्स के ऊपर तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है कॉन्ग्रेचुलेन्स टू द टीम और एफ टी कि उन्होंने अच्छा वो लेकर और, uh, जिन -जिन को के आए और जिन जिनको मिला ग्रुप के अंदर उन सभी को भी काफ़ी कॉन्ग्रेचुलेशन uh, क्योंकि मुझे भी मिला एक टिकट मिली थी मुझे भी तो मैं भी सेल कर गया हूँ सेल करके निकल गया हूँ तो इस तरह के होल्ड नहीं करनी चाहिए जैसी मिले सेल करे और निकल जाओ बस इसी तरह से करना चाहिए राइट नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास में वही नॉर्ट फाइनेंस नॉर्ट फाइनेंस रिसेंटली वैसे पहले नॉर्ट फाइनेंस का नाम होता था uh, Sleek Finance. Sleek Finance होता था तो अभी नॉर्ट फाइनेंस यहाँ पर होता हुआ नजर आया इन्होंने नाम चेंज किया और काफी सारी पार्टनरशिप्स रिसेंटली ये लोग लेकर के आया अभी आगे सुना है कि इंडियन प्रोजेक्ट है वैसे और काफी और भी चीजें ये लोग लेकर के आने वाले तो नजर रख नजर रख सकते हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर और ध्यान रखिएगा कि इंडियन प्रोजेक्ट है और अभी रिसेंटली जैसे आप लोगों ने देखा है कि ईजी फाई ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है महाडाओ ने अच्छा परफॉर्म किया है नॉट फाइनेंस से भी मुझे थोड़ा सा उम्मीद है क्योंकि इसकी भी टोकनॉमिक्स काफ़ी अच्छी है काफ़ी कम टोकन है इसकी टोकनॉमिक्स और उसके बारे में हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसके बारे में बात करेंगे और जो आई काफ़ी सारे आने वाले हैं इसी तरह के तो उनके बारे में हम लोग जल्दी ही जो है एक वीडियो बना करके बात करेंगे राइट चलते हैं नेक्स्ट की तरफ दोस्तों नेक्स्ट है हम लोगों के पास में हाँ टड़ा तो ये है नया टोकन जो कि रिसेंटली लिस्ट हुआ है मार्लिन प्रोटोकॉल काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे लग रहा था कि बाइनेंस के ऊपर इसका आई आएगा लेकिन समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ है सडनली और सब कुछ इतना जल्दी जल्दी में हुआ है कि सीधा इसके ऊपर लिस्टिंग हुई क्या कहते हैं यूनिस्वैप के ऊपर और प्राइस वैसे फोर्टी सेंट तक गया था लेकिन अभी देख रहे, देख सकते हैं कि आप Uh, साढ़े पांच सेंट के आसपास में चार सेंट के आसपास में हम लोगों ने इसका सिग्नल दिया था कि बाय कीजिए इसको काफ़ी अच्छा है और ये वो करके हम लोगों ने बताया था तो फाइनली एक अच्छा uh, क्या कहते हैं प्राइस रेंज पर हम लोगों को मिला है मैं तो अभी होल्ड कर रहा हूँ देखते हैं वैसे एट सेंट के एट पॉइंट फोर सेंट को टच करके वापस आया प्रोजेक्ट अच्छा है लेयर जीरो का प्रोजेक्ट है हम लोगों ने पहले भी एक दो बार इसके बारे में बात किया है लास्ट ईयर भी एक वीडियो बनाया था इसके बारे में मालिन प्रोटोकॉल के ऊपर हुबे ने भी इसको लिस्ट कर दिया है वैसे अगर हम लोग देखें तो जो बाइनेंस है बाइनेंस ने भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है पॉन्ड के अंदर और उसके अलावा कूकॉइन भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेता है इनके इस प्रोजेक्ट के अंदर तो आप लोग भी थोड़ा सा नजर रख सकते हैं अगर आप लोग इनके प्रोजेक्ट को फॉलो कर रहे हैं या फिर आप एक अच्छा प्रोजेक्ट अगर आप बाय करना चाहते हैं अगर आपको मिलता है तो पार्ट के अंदर बाय कीजिए पहला पार्ट बाय कीजिए तकरीबन चार साढ़े तीन सेंट के आसपास में अगर उसके नीचे भी अगर आपको मिलता है दो सेंट के आसपास में तो वहां भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि तकरीबन फोर बिलियन टोकन की इसकी जो है टोटल सप्लाई है राइट right. चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास की जो जो दस डॉलर का टी डब्ल्यू टी का तो अगर आपके पास है तो होल्ड कर रखिए क्योंकि मुझे लगता है जल्दी ही ये लोग इसको लिस्टिंग कर देंगे और रीजन ये है कि अभी तो इन्होंने बोल दिया कि जनवरी तक हम लोग इसको डिस्क वो भी कर देंगे बर्न कर देंगे अगर आप लोग विड नहीं करोगे विद्रॉल भी अभी इन्होंने बंद कर दिया है तो वैसे अब हो सकता है कि कल परसों में फिर से खोले तो आप लोग अगर विदड्रॉल करेंगे तो होल्ड कीजिए मुझे लगता है कि एक अच्छा पॉइंट है पहले भी

थोड़ा सा अच्छा यहाँ पर आप लोगों को रिटर्न मिल सकता है अगर आपको एयर ड्रॉप मिला है तो आप लोग इसको भी होल्ड कीजिए सेल मत कीजिए फ्री की चीज है क्यों सेल करके निकलना है इतनी जल्दी राइट मिलता है तो अच्छी बात है नहीं मिलता है कोई बात नहीं लेकिन आ... विड्रॉल कर लीजिए से कि ये बर्न नहीं होना चाहिए बस है ना नेक्स्ट आते हैं दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास स्पार्क डिफाई अब इन लोगों का भी लिस्टिंग होने वाला है और इन्होंने बताया कि किस तरह से आप लोग अपने हम लोगों ने वैसे ग्रुप के अंदर भी शेयर किया था तो फाइनली स्पार्क डी जो है लिस्टिंग यहाँ पर होता हुआ नजर आ सकता नजर आ रहा है और जल्दी ही हम लोग इसके ऊपर भी ट्रेड करते हुए

आ, लिस्टिंग प्राइस से तकरीबन पंद्रह एक्स के आसपास में गया और जो जब उसके ऊपर एक्सचेंज के ऊपर आया वहाँ से भी तकरीबन फाइव एक्स हुआ काफी जबरदस्त परफॉर्म किया राइट right, तो नजर रखिए अभी क्योंकि इनके प्लेटफॉर्म लॉन्च और वो सब चीजें भी लेकिन करंट प्राइस पे मत बाय कीजिएगा अभी थोड़ा सा जो है करेक्शन होने दीजिए नेक्स्ट है दोस्तों हम लोगों के पास में ई फाई तो ई फाई ने भी अपना एक सेकंड जो क्या कहते हैं एक अभी वैसे तो ये लिस्टिंग है प्रोबिट के ऊपर लिस्टिंग हो गई है और कुछ कोलेबोरेशन के अंदर ये लोग कुछ कुछ डीफाई लैंडिंग और उन सब प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स को उनके जो प्रोबिट के यूजर्स है उनके लिए वर्क कर रहे हैं और प्रोबिट के ऊपर लिस्टिंग भी हुई है इनकी और उसके अलावा दोस्तों हम लोगों को और भी चीजें जो इजीफाई के ऊपर अभी ड्यूज

याद रखनी सी बी एस ई जो था टोकन वो फाइनली यहाँ पर लिस्ट होता हुआ नजर आया बहुत जबरदस्त मतलब सुबह जो इन्होंने मुझे लगा नहीं था इतना जल्दी ये लोग लिस्ट कर देंगे सुबह सुबह तकरीबन इन्होंने आप देख सकते हैं टाइम यहाँ पर आ, वैसे इंडिया टाइम के हिसाब से सुबह छः बजे के आसपास में लिस्ट हो गया था सीधा टू एक्स गया और अभी भी वहीं पर जो है ट्रेंड कर रहा है आ, मेरा बड़ा दिल था इसको बाय करने का क्योंकि हो गया तो हो गया अब क्या कर सकते हैं अब तो लेट हो गए चिड़िया चुंगी के तब क्या कर सकते हैं वेट अगर ये आता है मैं वेट कर रहा हूँ तकरीबन दो डॉलर एक डॉलर के बीच में अगर आता है तो मैं एक पार्ट बाय करूंगा अगर उसके नीचे वापस कहीं पर आता है बीच में तो दूसरा पार्ट वहां पर बाय करने की ट्राई करूंगा नजर रखिए इसके ऊपर और मुझे लगता है काफी अच्छा ये परफॉर्म वैसे तो ऑलरेडी परफॉर्म काफी अच्छा कर चुका है वन ट्वेंटी डॉलर से अगर आप देखें 240 चल रहा है टू एक्स ऑलरेडी हो चुका है तो वेट करें थोड़ा सा नीचे आएगा तो फिर इसको बाय करेंगे नेक्स्ट है दोस्तों डीसीएक्स ने तकरीबन हंड्रेड करोड़ की हंड्रेड करोड़ रुपीज की जो है यहाँ पर एक जो फंडिंग उठाई है पीछे हम लोगों ने देखा था तकरीबन आई गेस थर्टी करोड़ की जो है पीछे कॉइनबेस से इन्होंने फंडिंग उठाई थी अभी फिर से फंडिंग उठाई है जो कि काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है फाइनली यहाँ पर और इनके एक्सचेंज के ऊपर काफ़ी सारे अगर आप देखें तो काफ़ी सारे जबरदस्त पेयर है काफ़ी डेप्थ है इनके पूरे के पूरे उसमें क्या कहते हैं ऑर्डर बुक के अंदर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किन किनने डी जी घर और जंप कैपिटल ब्लॉक वन और काफ़ी बड़े बड़े मेहता वेंचर्स एल एक्सपैक्स और ये सभी काफ़ी कॉइन uh, बेस ने तो ने पहले भी करा था और uh, देखते हैं फिर से इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया आप देखते हैं किस तरह से ये लोग लेकर के जाते हैं अपने इस एक्सचेंज को क्योंकि अब शायद ये लोग थोड़ा सा टोकन वोकन लेकर के आए तो नजर रखिए क्या पता ट्रेडिंग करने वालों को थोड़ा बहुत टोकन दे दे क्योंकि मैं तो ट्रेड करता हूँ अगर आप लोग नहीं करते हैं थोड़ा बहुत ट्रेड करके रखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत जो पीयर टू पीयर है ट्रेडिंग वो सब चीज़ें भी करके रखिए ताकि आप लोग को ईजी रहे नेक्स्ट है है दोस्तों पर एंकर का फाइनली एयर ड्रॉप आने वाला है, बट आ, मैं आप लोगों को बाय करने के लिए नहीं बोलूंगा अगर आपके पास था तो प्रॉफिट बुकिंग कीजिए और बाहर निकलने का को कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी नेक्स्ट है दोस्तों फिंडोरा के ऊपर बिल्कुल भी सेल के ऊपर पार्टिसिपेट मत कीजिएगा राइट यहां पर काफी सारे रेड फ्लैग्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं क्योंकि टीम वीम के अंदर कुछ कुछ लफड़े चल रहे हैं और इन्होंने बहुत सारा पैसा उठा लिया मार्केट से आप देख सकते हैं तो जो मेन मेन लोग थे वो ऑलरेडी यहाँ पर छोड़ के जा चुके हैं एक मिस्टर चार्ल्स लू करके थे ये बोल रहे कि मैं फिंडोरा के अंदर अभी अवेलेबल नहीं हूँ तो तीन चार टीम मेंबर मेंबर जो मेन मेन थे वो ऑलरेडी छोड़ के जा चुके हैं लेकिन अभी तक भी जो फिंडोरा की टीम अ, मेंबर है वो अ, जो टीम का जो पेज है इसमें अभी तक किन लोग जो नाम है वो ऐड कर रखे है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बेनेडिक्ट करके पर्सन है ये भी छोड़ के जा चुके हैं तो इस तरह की चीज़ें हो रही है तो मैं इसलिए अब थोड़ा सा इससे दूर रहूंगा देखा जाएगा वैसे इस तरह के जो हैं वो आते है कि 2020 में इन लोगों ने तकरीबन वन बिलियन डॉलर्स के बिटकॉइन जो है बाय की बहुत जबरदस्त इन्होंने मार्केट के अंदर हड़कम मचाई इस बार कैटलिस्ट की अगर बात करें तो एक तरह से जो इसी तरह की जो इंस्टीट्यूशन है वो आते हुए नजर आया और जो वेल्स हैं इनके आगे एकदम बच्चे बन के रह गए मतलब पूरा मार्केट इन्होंने हिला दिया और कि वेल्स जो है एक तरफ से सेल कर रहे थे और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है इधर से बाय कर रहे थे इस तरह का हम लोगों ने देखा ट्रेंड मार्केट के अंदर जो पहली बार देखने के लिए मिला वरना हमेशा जो ये वेल्स जो होती है वो हमेशा हावी होती है लेकिन इस बार ऐसा नहीं देखा गया ना ही इस तरह की कोई प्रॉब्लम देखी गई कि जैसे जैसे वो सेल कर रहे थे इधर से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मार्केट से जो है प्राइस बीटीसी uh, जो है वो पिक कर रहे थे वरना हमेशा क्या होता है कि बैक एंड के ऊपर अंदर अंडर द टेबल जो हम लोग कहते हैं ओटीसी जिसको कहते हैं वहां पर बाइंग जो हो जाती है हमेशा बीटीसी की वो देखते थे लेकिन इस बार ऐसा नहीं देखा गया और प्राइस में भी उसी तरह से जो है हम लोगों ने उछाल देखा पिकअप देखी और फाइनली ऑल टाइम ता, हाई चौबीस हजार तीन सौ के आसपास में जाता हुआ देखा तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो काफी सारी अपडेट्स मोस्ट मोस्ट अपडेट्स जो कि आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी अगले हफ्ते फिर से आएंगे इसी तरह की वीडियो के साथ पे और बाकी ऑल्टरनेटिव डे तो हम लोग आते ही रहते हैं राइट लाइक कीजिए अगर ये वीडियो पसंद आई आप लोगों को बहुत सारी अपडेट्स के साथ में और अगली बार फिर मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू टेक केयर गुड बाय फिस और जय हिंद मेरे भाई